A man holds four balls 180 meter above the ground and drops them at regular interval of time so that when the first ball hits the ground, the fourth ball is just leaving his hand. At this time, the second and third balls from the ground are at the positions. ये positions find करनी है कि वो second और third ball कहाँ पर होगी. देखिए भी ऐसे questions करने के लिए ना यहाँ पर इस तरह से बना लीजिए कि भी ये ground है suppose, और according to question क्या बोला है कि यहाँ से ये आपके चार balls को drop करना है, यहाँ फेंकना नहीं है, drop करना है नीचे की तरफ. तो ड्रॉप के अंदर u इज इक्वल टू जीरो होगा. सबसे पहले तो आप ये समझ लो, नीचे की तरफ ड्रॉप किया है मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके अंदर, z हो जाएगा. क्लियर? क्योंकि ड्रॉप कहां गया है, नीचे की तरफ. क्लियर? अब हमारे पास में क्या बोला हुआ है कि पहली बॉल जब ग्राउंड को हिट करेगी, ये हमारे पास फर्स्ट बॉल, उस समय जस्ट हाथ यहां पर है ना, यहां से जो ड्रॉप करेंगे ना वो कौन सी होगी, फोर्थ बॉल होगी, जस्ट लीव द हैंड. अब पता ये लगाना कि ग्राउंड से ये बॉल्स जो है ना कौन कौन सी, फर्स्ट और सेकंड बॉल कहां होगी और ये थर्ड बॉल कहां होगी, ये पोजीशंस जो है हमारे को पता नहीं है ग्राउंड से. अब ग्राउंड की यहां से जो हाइट है ना वो कितनी दे रखी है, 180 मीटर है ना, यहां से जो हाइट है ना ग्राउंड से, जो यहां पर जहां से ड्रॉप किया जा रहा है वो हाइट हमारे पास में है 180 मीटर. मतलब जब फोर्थ बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं ना, हाथ से जस्ट निकल रही होगी, उस समय फर्स्ट बॉल आके हिट कर रही है ग्राउंड को, इट मींस इसको 180 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेनी है. यही बात है. तो फॉर फर्स्ट बॉल की बात करते हैं, इसने कवर्ड डिस्टेंस कितनी है, 180 मीटर, और यहां पर जी की वैल्यू जो है ना वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए. ठीक है भाई. अब आप इसमें देखो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब देखो नीचे की तरफ ड्रॉप किया जा रहा है तो ए की जगह तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, और यू जस्ट ड्रॉप किया है तो यू इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. और कवर्ड जो डिस्टेंस है ये फर्स्ट बॉल की, तो वन लगा लीजिए यहां पर, और टाइम भी हमारे पास में टी वन लगा लीजिए फर्स्ट बॉल के लिए. इसलिए और ये हो जाएगा 180, ये जीरो क्योंकि यू की वैल्यू जीरो है और जी की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 10. ये हमारे पास टी वन स्क्वायर. हम कर क्या रहे हैं कि कितने टाइम में ये यहां पहुंच गई है फर्स्ट बॉल, ये पता लगाना चाह रहे हैं. राइट. तो टू को क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर ले लीजिए और 10 को अपॉन में, दिस इज टी वन स्क्वायर. ये आ जाएगा टी वन स्क्वायर इक्वल्स टू 36, मीन्स टी वन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, मीन्स टी वन इक्वल्स टू क्या आ गया, 6 सेकेंड्स. यानी कि 6 सेकेंड के अंदर ये फर्स्ट बॉल इस ग्राउंड को हिट कर लेगी, ये फिक्स हो गया है, टी वन इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स. यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से रीड करने की जरूरत है. जो बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं ना, ये क्या लिखा, रेगुलर इंटरवेल ऑफ टाइम, मतलब फर्स्ट बॉल, फिर एक फिक्स टाइम के बाद में सेकेंड बॉल, फिर एक फिक्स टाइम के बाद में थर्ड बॉल, फिर एक फिक्स टाइम के बाद में फोर्थ बॉल, और उस समय फर्स्ट बॉल ग्राउंड को हिट कर लेगी, ये कंडीशन है. तो आप देखो 6 सेकेंड में कितने इंटरवेल है, 1, 2, 3 इंटरवेल्स है. तो 6 सेकेंड को 3 इंटरवेल में डिवाइड करो, कितने आ रहे हैं, 2-2 सेकेंड. यानी कि अगर मैं सेकेंड बॉल की बात करूं, सेकेंड बॉल के लिए ट्रेवलिंग टाइम कितना होगा, देखो फर्स्ट बॉल ने कितना ट्रेवल किया, 6 सेकेंड तक. तो सेकेंड बॉल जो है ना, इसके 2 सेकेंड के बाद में छोड़ी गई है ना, इसलिए इसका ट्रेवलिंग टाइम जो है ना सेकेंड बॉल का, वो कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड्स, क्योंकि 2 सेकेंड के बाद छोड़ा गया है इसको. तो इस दो सेकेंड के बाद छोड़ने के बाद इसने कितना ट्रेवल कर लिया, पहले इसका ये ट्रेवलिंग निकाल लेते हैं, ये वाली, इसको आप एस टू से रिप्रेजेंट कर दीजिए. ठीक है. तो हमारे पास न्यूटन का वही सेकेंड इक्वेशन, एस टू इक्वल्स टू यू टी, यू तो जीरो है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. राइट. और टाइम कितना है हमारे पास में, टी टू. अब कवर्ड डिस्टेंस निकालने के लिए हाफ जी की वैल्यू 10 और टी टू, यानी 4 सेकेंड तक ट्रेवल किया है इसने,
ठीक है, जब ये हिट कर रही है वो 4 सेकंड का ट्रेवलिंग कर चुकी है ना, कौन सी सेकंड बॉल, ये हमारे पास में 2 आ जाएगा, यानी कि 80 मीटर की ट्रेवलिंग ये कर चुकी है। कितना आ गया ये 80 मीटर, मीन्स जमीन से कितनी ऊंची हुई है ना, टोटल कितना है 180, उसमें से 80 मीटर की ट्रेवलिंग कर ली, पीछे कितना बचा ये 100 मीटर, ये हो गया आपके पास में हाइट h2। यानी कि दूसरी जो बॉल है ना, वो जमीन से कितनी ऊंची है, 180 में से जो ट्रेवलिंग कर ली वो माइनस कर लीजिए, ये आ जाएगा 100 मीटर अबाउ द ग्राउंड। अब MCQ आप हिट करना चाहते हो ना, तो इसमें सेकंड बॉल का जो आंसर है पहले है, रेस्पेक्टिवली लिखा हो ना, सेकंड और फिर थर्ड का है, तो 100 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है, तो डी ऑप्शन तो हिट हो ही गया समझो। लेकिन कई बार क्या होता है MCQ के अंदर 100 मीटर दो जगह लिखा होगा और फिर आपको इसके थर्ड बॉल का भी निकालना पड़ेगा, तो परफेक्ट जो जवाब है थर्ड बॉल के लिए वो भी अपन अचीव कर लेते हैं। तो अब देखिए इसमें फॉर थर्ड बॉल, थर्ड बॉल के लिए डिस्कवर डिस्टेंस s3, u तो हमारे पास में इसके लिए भी 0 है, ड्रॉप किया है हाफ, g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 और t2। अब इसका टाइम पीरियड, यस यहाँ टाइम पीरियड कितना होगा सेकेंड बॉल के लिए बताइए, t3 इज इक्वल्स टू, देखो पहली बॉल यहाँ पहुँची कितने टाइम बाद पहुँची, 6 सेकंड बाद, सेकंड को ड्रॉप किया 2 सेकंड के बाद, तो ट्रेवलिंग टाइम कितना हो गया इसका सेकंड बॉल का 4 सेकंड्स। उसके 2 सेकंड के बाद, क्योंकि क्या लिखा हुआ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, तो उसके 2 सेकंड के बाद मतलब जो थर्ड बॉल होगा उसको ट्रेवलिंग टाइम कितना मिलेगा, ओनली एंड ओनली 2 सेकंड्स की ट्रेवलिंग होगी थर्ड बॉल के लिए, ठीक है भाई। तो हमारे पास में वैल्यू रख देंगे अपन इसमें s3 = ut वाला तो काम खत्म, 0 क्यों ड्रॉप किया है हाफ g t square, g हमारे पास 10 और ये हमारे पास में 2 t square होता है ना, तो 2 × 2 मीन्स इस 2 से 2 कैंसिल, मीन्स 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी खाली, कौन सी थर्ड बॉल, थर्ड बॉल जो है अच्छा एयर में कितना ट्रेवल किया, कितने टाइम तक ट्रेवल किया इसने, सिर्फ 2 सेकंड की ट्रेवलिंग हुई इसकी जब ये फर्स्ट बॉल हिट कर रही है, तो 2 सेकंड की ट्रेवलिंग हुई खाली और इसको डिस्टेंस कितनी कवर कर ली 20 मीटर। तो इस काम के लिए जो अब जमीन से जो हाइट है उसके बारे में बात कर, ट्रेवलिंग कितनी हुई थर्ड बॉल के लिए, ये ट्रेवलिंग हो गई हमारे पास में इसकी 20 मीटर, तो जमीन से इसकी हाइट कितनी रह जाएगी h3 बताइए, और टोटल 180 है ना, 20 माइनस कर दो इसमें से, दैट इज 160 मीटर, ठीक है, यानी कि इसमें h3 तो जमीन से जो हाइट है यहाँ लिख लेते हैं ना h3, थर्ड बॉल जो है वो जमीन से कितनी ऊंची है, ग्राउंड से कितनी ऊंची है, 180 मीटर टोटल था, उसमें से 20 मीटर की ट्रेवलिंग कर ली इसने, तो 160 मीटर अबव द ग्राउंड, ये हमारे पास में इसका आंसर आ गया। तो अब सेकंड और थर्ड, तो ये हो गया 100 मीटर और ये हो गया 160 मीटर, मींस डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली कीजिए, सोच के समझ के क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़िए, फिजिक्स में नंबर अगर इस तरह के क्लियर करने हैं तो एक चीज ध्यान रखो, इस इवेंट को अपने सामने होती हुई इमेजिन करो, फील करो, इसके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट डालो, तब ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली राइट हो पाएंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले एक सब्सक्राइब का बटन दबा ही दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, होप यू आर द बेस्ट डिजाइन।